Welcome everyone, this is Andy Ray from Muscle Clinic. In this episode, we'll unbox and review Boza Mini Gimbal. Stay tuned with us. आज के एपिसोड में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे गुडसन कंपनी का मोजा मिनी गिम्बल के बारे में। मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि एक गिम्बल परचेस करना चाहिए, बिकॉज जैसे आप सबको पता है कि मैं आजकल बहुत सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो उसके लिए सिनेमेटिक शॉट्स की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। तो मैं सोच रहा था कि कोई भी एक अच्छे कंपनी का एक गिम्बल लेना चाहिए, बट थैंक्स टू गुडसन कंपनी जिन्होंने मुझे मोजा मिनी गिम्बल सेंड किया हुआ है। तो आज इसको करेंगे प्रॉपरली अनबॉक्स और इसका रिव्यू करूंगा। मैं इसको यूज करके बताऊंगा कि कैसा है। और एक चीज, मैं एक टेक यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं उतने अच्छे से शायद अनबॉक्स या रिव्यू नहीं कर पाऊँ, बट मुझे जितना समझता है उस हिसाब से मैं प्रॉपरली करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही मैं दिखाऊंगा कि गिम्बल के इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ ही मैं इसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं मोजा मिनी के, मैंने काफी सारे वीडियोज में देख रखा है, तो आप सबके साथ वो चीजें मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो थैंक्स अगेन गुडसन कंपनी फॉर गिविंग मी दिस गिम्बल। तो चलिए जल्दी से करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। जैसे आप देख सकते हैं पैकेज आया हुआ है हांगकांग से, तो मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया है। मैं चाहता था आप सबके सामने इसको ओपन करो और दिखाओ क्या क्या चीजें होती है। तो देख सकते एकदम प्रॉपरली पैक किया हुआ चीज है, मैंने अभी तक कुछ भी ओपन नहीं किया हुआ है इसका। तो जल्दी से देखते हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसके अंदर क्या है देखने के लिए। ये मेरा आप देख सकते हैं गिम्बल आ गया, मोजा मिनी, यहाँ पर मोजा की कंपनी लिखी हुई है, मोजा मिनी लिखा हुआ है, और ये मोबाइल गिम्बल है। और साथ में इसके बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं जो मैं इसको ओपन करने के बाद आप सबको बताऊंगा। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे मोबाइल का गिम्बल है, तो ये ओपन करने के बाद बहुत ही एक अमेजिंग केसिंग है इसकी, लेदर की केसिंग टाइप की लग रही है, एकदम आप पास से देख सकते हैं, जैसे बहुत ही टफ दिया हुआ है, जैसे आप इसको बाहर भी कैरी करेंगे तो गिम्बल को कुछ भी खराब नहीं होगा या गिरने उरने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर अगेन मोजा की ब्रांडिंग दी हुई है। इस डब्बे को रखते हैं साइड में और इसकी करते हैं, बिकॉज असली चीज़ तो इसी में है। तो जल्दी से ओपन करके देखते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अमेजिंग सा एक गिम्बल सेटअप दिया हुआ है, पैकेजिंग बहुत ही अमेजिंग है। तो इसको जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारा जैसे हो गया मेन गिम्बल, आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, हर जगह लाइक बहुत अच्छा प्रीमियम फील दे रहा है ये साथ में। और यहाँ पर आपका मोजा मिनी की ब्रांडिंग आपको दिख जाएगी, और बहुत ही होल्ड करने से ही लग रहा है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का बना हुआ है। जैसे ये प्रॉपरली मेरे ख्याल से प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। इसको रखते हैं साइड में, बाद में इसको देखेंगे, और साथ ही में देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें USB पोर्ट दिया हुआ है इस गिम्बल को चार्ज करने के लिए, और साथ ही में आई गेस ये स्टैंड दिया हुआ है ताकि आप इजीली कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का दिया हुआ है। तो इसको पहले लगाते हैं इसके नीचे, और यहाँ पर भी मोजा मिनी की ब्रांडिंग दी हुई है। तो ये कैसा हो गया, आपका स्टैंड टाइप का बन जाएगा, तो आप रख सकते हैं इजीली कहीं पर भी। तो जल्दी से इसमें मोबाइल फ़ोन लगाते हैं और देखते हैं कैसे आते हैं फुटेज, बिकॉज मुझे भी सीखना पड़ेगा इसको कि कैसे बैलेंस करना है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देख रखे, तो मेरे हिसाब से इजीली ये बैलेंस हो जाता है और बहुत ही अच्छा फील आ रहा है मुझे। और जल्दी से इसमें मोबाइल फ़ोन लगाते हैं और देखते हैं कैसे आता है फुटेज। जैसे मैं आईफोन 7 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें ऐड करते हैं आईफोन 7। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, जिसमें बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है, इसका जो लाइक जहाँ फिक्स होता है वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से बना हुआ है, ताकि आपका लूज नहीं पड़ेगा, ये शायद अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप गिम्बल को स्टार्ट करें उसके पहले ज़रूर अपना फ़ोन ऐड कर दीजिएगा, जिससे गिम्बल की लाइफ ख़राब नहीं होती। तो इसको बराबर ऐड करके अभी स्टार्ट करके देखते हैं। जस्ट ये जो बटन दिया हुआ है इसको लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखना है, और आप देख सकते हैं एकदम गिम्बल हमारा तैयार है। और जल्दी से मैं इसको, इसका मूवमेंट भी देखिए कितना स्मूथ है, और जैसे भी लेंगे तो गिम्बल एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। आपने जैसे देखा मैंने प्रॉपरली अनबॉक्स किया हुआ है, जितना मुझसे बन पड़ा है, बिकॉज आई एम नॉट अ टेक यूट्यूबर, तो मुझे अच्छे से अनबॉक्स करना नहीं आता। तो आज करेंगे इसका टेस्ट कि कैसे कैसे फंक्शंस है इसमें। पहले मैं आपको इसके फंक्शंस बता दूंगा, उसके बाद करेंगे आउटडोर में टेस्ट कि इसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं मैं सब आपको डिटेलिंग में बताऊंगा। तो जल्दी से पहले देखते हैं इसके फंक्शंस कैसे हैं, इसकी मेकिंग कैसी है, और इसमें क्या क्या फायदे हैं। तो पहले जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे स्टैंड दिया हुआ है, और साथ ही में यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो जैसे देख सकते हैं 3 माउंट दिए हुए हैं, एक यहाँ पर आप माउंट कर सकते हैं, एक यहाँ पर और एक ऊपर।
तो बहुत ही अच्छा है कि कहीं पर भी आप ट्राइपॉड में किसी भी एंगल में इसको माउंट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो सबसे पहले मोजा मिनी का जो ऐप आता है वो डाउनलोड करेंगे, बिकॉज उससे ही ये गिम्बल प्रॉपरली आपका काम करेगा। साथ ही में जब ब्लूटूथ के साथ इसकी कनेक्टिविटी कर लीजिए, जिससे बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये जो आपको सर्कल वाला बटन दिख रहा होगा, इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। साथ में ये राउंड रोटेट होने के साथ साथ इसके फंक्शंस भी है, मैं आप सबको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट ऑन ऑफ करना बता देता हूँ। जैसे ये गिम्बल सोया हुआ है, इसको वेकअप करने के लिए आपको बस इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा और देखेंगे आपका गिम्बल ऐसे एक्टिव हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर तरीके से आप इसको आपके ऐप में इसको प्रॉपरली दिखाएगा आपको। इसके बाद इसको जैसे आप थोड़े देर दो बार प्रेस करेंगे, तो जिनके भी फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटीज़ है तो ये गिम्बल वायरलेस चार्जिंग भी करता है। तो आप इसको बस ये जो पावर बटन को आप दो बार प्रेस करेंगे, जिससे आपका वायरलेस चार्जिंग एक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही में जैसे इसके फंक्शन देख लेते हैं, तो जैसे ये जो आपका लेफ्ट साइड का बटन है, जो आपका रोटेटिंग व्हील है उसका जो लेफ्ट साइड का बटन है, इसको आप डबल प्रेस करेंगे तो इसको बोलेंगे यो एक्सेस। तो यो एक्सेस में क्या हो जाएगा, जैसे आपका गिम्बल लॉक हो जाएगा, जैसे साइड आप इसको या फिक्स हो जाएगा, बस इसको देखिए आपका जो आप ऊपर नीचे कर रहे हैं लेकिन आपका जो मोबाइल है वो प्रॉपरली सेट है। अब इसको अगर तीन बार टैप करेंगे तो ये ऑल एक्सेस आपका जो लॉक रहेगा, आप देखेंगे कैसे भी ले रहे हैं तो इसको प्रॉपरली आपका हो जाएगा। और इसको तीन बार फिर वापस कर सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा, पिट फ्लो आ जाएगा, जिससे आपका देखिए हर टाइप से आप फ्लो कर सकते हैं। अब जो ऊपर वाला बटन है उसको थ्री टाइम आप प्रेस करेंगे तो इस गिम्बल की सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ है दैट इज इंसेप्शन मोड। तो आप देख सकते हैं ये आपका रोटेशन हो जाएगा और आपको फुटेज भी दिख रहा होगा कैसा दिखेगा आपका। ये पूरा जैसे इंसेप्शन मोड रहता तो इसमें पूरे तरीके से ये आपका रोटेट होगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग सिनेमैटिक शॉट जिनको भी पसंद है उनको ये प्रॉपर तरीके से दिखेगा। फिर आप तीन बार इसको प्रेस कर दीजिए तो गिम्बल आपकी जगह पे आ जाएगा। अब जैसे जो नीचे वाला बटन है इसको भी डबल प्रेस करेंगे तो ये जहां पर भी है गिम्बल आपका जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पे आ जाएगा। अब इसको भी तीन बार अगर आप प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फी मोड में आ जाएगा, तो आपका जो रेयर कैमरा है वो आपके सामने आ जाएगा ताकि आप कुछ भी शूट करें। अगेन तीन बार इसको प्रेस करेंगे तो आपका फिर से रोटेट होके जो पहले वाला जो पोजीशन था उसमें वापस चला जाएगा। अब इसके जो सारी चीज़ें आपकी यहीं से ऑपरेट हो जाती है, जैसे आप ऊपर वाला बटन एक बार प्रेस करेंगे तो जिससे आपके मोड्स ऑन हो जाएंगे, जिससे आप अपना जो भी सिनेमेटिक मोड है, आपका फ़ोटो खींचने का मोड है या फिर टाइम लैप्स, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो जल्दी से इसको आउटडोर में लेके देखते हैं कैसे कैसे मोड्स है इसमें। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ऐसे इसमें सिनेमेटिक मोड्स है जिससे आपकी शेकी बिल्कुल भी नहीं आएगा फुटेज। आप देखिए एकदम स्पीड में जा रहा है और रोटेट हो रहा है लेकिन हाथ एकदम शेक नहीं कर रहा है। ये मेरा पहला टेस्ट है, जैसे सिनेमेटिक शॉट्स मुझे चाहिए अपने फ्यूचर वीडियोज़ के लिए, इसलिए ये गिम्बल मुझे चाहिए था। एंड थैंक्स टू गुडसन कंपनी जिन्होंने मुझे मोजा मिनी सेंड किया हुआ है, और इससे आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग शॉट्स आ रहे हैं। अब इसका टेस्ट करेंगे रनिंग टेस्ट। जैसे मैं गिम्बल के साथ में आपको जो राइट साइड में जो फुटेज दिख रहा है वो गिम्बल के साथ है, और जो लेफ्ट साइड है मैंने बस अपने मोबाइल को पकड़ के रन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो गिम्बल वाला साइट है वो कितना स्टेबल है और एकदम प्रॉपर तरीके से आपका हो रहा है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो इसका इंसेप्शन मोड है, आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग फुटेज आ रहा है, पूरा एकदम रोटेट हो रहा है और स्मूथ आपको शॉट मिल रहा है। तो आपने देखा कितना अमेजिंग गिम्बल है, और इसका जो रेट है ये 10,000 के नीचे है। तो जिनको भी अगर सिनेमेटिक वीडियोस बनाने का शौक है तो कोई भी परचेस कर सकता है इजीली। मैं गुडसन कंपनी का डायरेक्टली लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डायरेक्ट जाके आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, और कंपनी बहुत ही जेन्युइन कंपनी है तो आपको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा देगी। शायद इसमें थोड़े कस्टम ड्यूटी आपको भरना पड़े, अगर आप डायरेक्ट कंपनी से मंगाएंगे तो आपको एकदम जेन्युइन चीज़ें मिलेगी। तो आप डायरेक्ट जो लिंक के थ्रू जाके आप उससे परचेस कर सकते हैं। और इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो मैं गुडसन कंपनी का जो ऑफिशियल वीडियो बना हुआ है उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट जाके उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं इसकी डिटेलिंग में। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए, यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ इट डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।